हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक। फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी होता है ये। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरी किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपन बनाते हैं कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। इस फ्रूट में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। जैसे ही विंटर आती है तो ये फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा मार्केट में मिलने लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इसका शेक बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन सीताफल ले लेंगे। मैंने एक बड़ा सीताफल ले लिया है। मुझे एक ग्लास मिल्क शेक बनाना है, मैं उसके लिए बता रही हूँ आपको। इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, इसके सीड्स को मैंने निकाल कर इसको ले लिया है। मैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मिक्सी का जार ले लिया, इसमें मैं ये सीताफल डाल दूँगी। मैं ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें मैं एक चम्मच चीनी मिला दूंगी, एक ग्लास बनाना है मुझे ये मिल्क शेक, तो मैंने एक ग्लास दूध लिया और एक ही बड़ा सीताफल लिया है। अब इसको अच्छे से अपन मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पिस गया है। अब इसमें अपन एक स्कूप वनीला आइसक्रीम ऐड कर देंगे। मैं एक स्कूप इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद अपन इसको फिर से पीस देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडी है अपना कस्टर्ड फ्रूट मिल्क शेक। तो अब इसको अपन सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सर्व कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़े से पिस्ता ऐड कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक बनकर एकदम रेडी है। बहुत ही हेल्दी मिल्क शेक बना है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा आप ये रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं न्यू एंड हेल्दी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय।